नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं समरजीत यादव इकाई योजना के निर्माण विषय पर चर्चा करूंगा। आइए हम इकाई योजना की संकल्पना पर बातचीत करते हैं। इकाई योजना की संकल्पना क्या है? इकाई योजना को किस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है? संबंधित विषय के अधिगम उद्देश्यों पर आधारित एक शिक्षण अधिगम की सुनियोजित योजना, जिसमें एक इकाई की विषय सामग्री और अधिगम अनुभव शामिल हों, अर्थात कि जिस भी विषय का हम शिक्षण कर रहे हैं उस विषय में कई ऐसे पाठ सम्मिलित होते हैं, उन पाठों को आप इकाई वार बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय को आप कई पाठों में बांट लेते हैं। वह पाठों को आप बांटने के लिए कुछ उसके लिए पूर्व निर्धारित कुछ नियम बनाते हैं। वह नियम को ध्यान में रख करके आप इकाई में उसे बांटते हैं। पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को पाठों में विभाजित किया गया होता है और हर पाठ के कुछ उपपाठ भी होते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम देखते हैं कि एक पाठ है जिसका शीर्षक है पदार्थ, उसके उपशीर्षक हैं ठोस, द्रव, गैस। यही उपशीर्षक इकाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका पाठ है पदार्थ और पदार्थ के भीतर ठोस, द्रव, गैस संकल्पना के बारे में बताया गया है, तो हम ठोस संकल्पना को समझाने के लिए एक इकाई में उसको हम रख सकते हैं, द्रव की संकल्पना को दूसरी इकाई में हम रख सकते हैं और गैस की संकल्पना को तीसरी इकाई में हम रख सकते हैं। यानी हम जो भी उपशीर्षक बनाते हैं उपशीर्षक से संबंधित विषय वस्तु को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इकाई योजना की क्या विशेषता होती है, अर्थात उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण हमें इकाई योजना बनाने की आवश्यकता महसूस होती है। इकाई योजना की विषय वस्तु सदैव एक सामान्य सिद्धांत, प्रक्रिया, समस्या और उद्देश्य के चारों ओर संगठित होती है। यानी एक इकाई में जिस भी संकल्पना का समन्वय हम करेंगे उसमें एक सामान्य सिद्धांत होंगे, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया होगी, वह एक प्रकार की समस्या होगी और उसका एक प्रकार का उद्देश्य होगा। इन चारों विचारों को ध्यान में रख करके हम एक इकाई का निर्माण करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक इकाई में सार्थक पाठ होते हैं जो विद्यार्थियों को लाभदायक अधिगम अनुभव प्रदान करने में सहायक होते हैं। एक इकाई में हम कुछ सार्थक पाठ को सम्मिलित करते हैं, उन पाठों के शिक्षण अधिगम के लिए हम चाहते हैं विद्यार्थी उन पाठों को किस तरह से सीखें, यानी सीखने के लिए कुछ उसके लिए हम निर्धारित उद्देश्य तैयार करते हैं, इन उद्देश्यों को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक विषय की विषय वस्तु का संयोजन इस प्रकार होता है जो समृद्ध शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करने में सहायक हो। इकाई योजना तैयार करना, यानी जब हम इकाई योजना तैयार करने की तरफ कदम उठाते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, आइए इस ओर हम आपका ध्यान दिलाते हैं। इकाई योजना तैयार करते समय आपको निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम में इकाई का विभाजन नहीं किया गया है तो उपयुक्त इकाई और उप इकाई का निर्माण करना। अब यदि कोई पाठ में इकाई का विभाजन नहीं किया गया है तो आप, जैसा कि पहले मैंने उन चार नियमों की व्याख्या की है, उन चार नियमों के आधार पे आप इकाई का विभाजन करेंगे और उसके आधार पे उपयुक्त इकाई और उप इकाई का निर्माण करेंगे। इकाई से संबंधित अधिगम उद्देश्यों का निर्माण करना। अब जो भी इकाई आपने निर्मित कर ली है उससे संबंधित अधिगम उद्देश्य क्या होंगे आपके, यानी कि उस इकाई को विद्यार्थियों को सिखाने के क्या उद्देश्य हैं, इसको, इन उद्देश्यों को तय करना। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना। अब जो भी विषय सामग्री आप विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं
जो भी कंटेंट आप सिखाने जा रहे हैं उस कंटेंट को सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी इसका चयन करना। बहुत सारी विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है, उन शिक्षण विधियों में से कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी उसका चयन करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक इकाई योजना का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो एक इकाई योजना में कोई एक निश्चित एक विधि नहीं हो सकती है, कई अलग अलग विधियां हो सकती हैं, लेकिन हमें कौन सी विधि उपयुक्त है इसका चयन करना आवश्यक है। अब जिस भी विषय सामग्री का आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उसके कुछ निर्धारित उद्देश्यों को अगर आपको प्राप्त करना है, यानी विद्यार्थी उसे उचित रूप से अगर सीख लें, तो इसका आपको मूल्यांकन करना होगा। यानी अगर आपको यह देखना है कि विद्यार्थी इसका सही ढंग से इसको सीख ले रहे हैं, तो विद्यार्थियों के व्यवहार के आधार पे उसका मूल्यांकन करना होगा। अब यह मूल्यांकन हम कुछ विधियों के द्वारा करते हैं, उसमें कौन सी विधि उपयुक्त होगी, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन ज़्यादा उपयुक्त होगा या निदानात्मक मूल्यांकन ज़्यादा उपयुक्त होगा, यह उस इकाई में शामिल विषय वस्तु पर निर्भर करता है। यानी इकाई में शामिल कौन कौन सी विषय वस्तु हैं उसके आधार पर हम मूल्यांकन विधि का निर्धारण करते हैं। अब इकाई योजना के निर्माण में हम विषय सामग्री को उपयुक्त इकाइयों में विभाजित करते हैं। उपयुक्त इकाइयों से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे कुछ एक निर्धारित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कुछ शिक्षण विधियों का चयन करते हैं और इसके आधार पर हम कुछ मूल्यांकन विधियों का चयन करते हैं। यानी इसका एक प्रकार एक साथ समन्वय करके हम एक उपयुक्त इकाई का निर्माण करते हैं। वह उपयुक्त इकाई हमें इस विषय सामग्री को विद्यार्थी को सिखाने में मददगार साबित होती है। अब हम यह ध्यान रखते हैं कि उन पाठों को जिसमें समान फोकस, उपयोगिता तथा मुद्दे निहित हैं, उन्हें एक इकाई में रखें। यानी कि ऐसी विषय सामग्री जिसका एक समान फोकस हो, उसकी एक विशेष उपयोगिता हो और उसमें एक विशेष प्रकार के मुद्दे हैं, उन्हें एक इकाई में रखना। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं आप विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार अलग अलग अधिकार हैं। अब अगर आपको समता के अधिकार पर चर्चा करनी है तो समता का अधिकार एक अलग इकाई होगी, स्वतंत्रता का अधिकार एक अलग इकाई होगी। इन इकाइयों को सम्मिलित करके एक वृहद इकाई बनेगी जो कि मौलिक अधिकार के नाम से जानी जाएगी। उदाहरण के लिए और हम देखते हैं कि भारत में जंगल संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, इसको भारत के प्राकृतिक संसाधन इकाई में रखा जा सकता है। यानी जितने भी प्रकार के संसाधन हैं भारत के, उन संसाधनों को हम भारत के प्राकृतिक संसाधन इकाई में रख करके अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। कुछ दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे संचार के अर्थ तथा आवश्यकता, प्राचीन समय में संचार के साधन, मध्य युग में संचार के साधन, भविष्य में संचार के साधन, ये जितनी संकल्पनाएं हैं इसको हम संचार के साधन इकाई में रख सकते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि एक इकाई जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए हम योजना का निर्माण कर रहे हैं, उसमें उस इकाई से संबंधित विषय सामग्री को ही हम सम्मिलित करते हैं। विषय सामग्री को इकाइयों में संगठित करने के पश्चात उसे व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। उसे व्यवस्थित इस तरह से करना आवश्यक होता है कि हम उस इकाई के क्या उद्देश्य होंगे, उस इकाई के क्या लक्ष्य होंगे, उस इकाई को हम कैसे विद्यार्थियों को सिखाएंगे, उस इकाई का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, इन चीज़ों को हम इकाइयों में शामिल करने का प्रयास करते हैं।
इसके अलावा प्रत्येक इकाई को हम उप इकाई तथा सार्थक भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। सार्थक भागों से तात्पर्य यह है हमारा कि जैसे हम संचार के साधन पढ़ा रहे हैं और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम मौलिक अधिकार की एक अलग इकाई बनाएंगे और संचार के साधन की अलग इकाई बनाएंगे। हम दोनों को एक साथ करके हम नहीं उसका अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं, हमें आवश्यकता है कि दोनों की अलग अलग इकाई बनाना। अब यहाँ उदाहरण के लिए आप देखिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें राख की रस्सी, दुनिया की छत, फसलों के त्यौहार, खिलौने वाला, ईदगाह, हवाई की छतरी, नन्हा फनकार, जहाँ चाह वहाँ राह, ये कुछ पाठों को हम अलग अलग इकाइयों में बांट सकते हैं। इसमें हम कुछ पाठों को मिला करके एक इकाई बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो लेखों को आप देखिए, फसलों के त्यौहार और जहाँ चाह वहाँ राह, इन दो लेखों को मिला करके हम एक इकाई बना सकते हैं। आइए हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर हम गौर करें, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में चैप्टर्स हैं कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, चखने से पचने तक, खाएं आम 12 महीने, बीज बीज बीज, बूंद बूंद, दरिया दरिया, पानी के प्रयोग। यानी इसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पाठ हैं जिसको हम एक साथ समाहित करके एक इकाई हम बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस विषय सूची को अगर हम देखें, बूंद बूंद, दरिया दरिया और पानी के प्रयोग को एक साथ समाहित करके एक इकाई में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो यानी हम विषय सामग्री से मिलते जुलते जो संकल्पना है उसको एक साथ समाहित करके एक इकाई योजना का निर्माण हम कर सकते हैं। अब इकाई योजना का जब हम निर्माण करते हैं तो उस इकाई योजना के निर्माण में क्या अधिगम होंगे, अधिगम के क्या परिणाम होंगे, यानी अधिगम के क्या आउटकम होंगे, उसको निर्धारित करना आवश्यक है। अधिगम के आउटकम को निर्धारित करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य द्वारा ही शिक्षण अधिगम के परिणाम का निर्धारण होता है। यानी कि जब हम इकाई योजना का निर्माण कर रहे हैं, उस इकाई योजना के निर्माण में सर्वप्रथम हम शिक्षण अधिगम उद्देश्य का निर्माण करते हैं। उस शिक्षण अधिगम उद्देश्य के आधार पे हम अधिगम के परिणाम का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षण अधिगम के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी सूची बना पाएंगे, विद्यार्थी वर्गीकरण कर पाएंगे, विद्यार्थी इस संकल्पना की पहचान कर पाएंगे, विद्यार्थी विश्लेषण कर पाएंगे, यानी विद्यार्थी ये सब जब कर रहे हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। उनके व्यवहार के परिवर्तन के द्वारा ही अधिगम परिणाम का निर्धारण होता है, और यह व्यवहार परिवर्तन शिक्षण अधिगम उद्देश्य जो कि निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर हो रहा है। विषय वस्तु की इकाई को पढ़ाने के उपरांत किस प्रकार की अवलोकनीय क्रियाएं निष्पादित करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसका अवलोकन करना, यानी कि उस इकाई के निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य के आधार पर विद्यार्थी के व्यवहार में जो भी अवलोकनीय परिवर्तन होते हैं उसको हम उसके व्यवहार द्वारा समझ सकते हैं, और उस के आधार पे हम अधिगम के परिणाम को समझ सकते हैं, अधिगम के परिणाम को हम जान सकते हैं। प्रत्येक इकाई तथा उप इकाई के शिक्षण अधिगम संबंधी परिणामों को स्पष्ट करना, यानी जब हम इकाई योजना का निर्माण कर रहे हैं तो उस इकाई योजना के क्या शिक्षण अधिगम परिणाम होंगे उसको स्पष्ट तौर पे लिखना, ताकि हम यह ठीक ठीक जांच सकें कि विद्यार्थी ने उस संकल्पना को सीखा है या नहीं सीखा है। अगर शिक्षण अधिगम परिणाम जो आपने निर्धारित किए हैं, जिसको आपने अपने इकाई योजना में स्पष्ट किया है, अगर उसके अनुरूप
परिणाम आपको विद्यार्थियों में दिखाई देते हैं तो आप सफल अपनी इकाई योजना का सफल निष्पादन कर रहे होते हैं। शिक्षण अधिगम विधियों का चयन, जब आप इकाई योजना का निर्माण कर रहे हैं तो उस इकाई योजना के निर्माण के लिए आपको शिक्षण अधिगम विधियों का चयन करना होता है। शिक्षण अधिगम विधियों का चयन आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए आप इसका चयन करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया के अतिरिक्त इकाई के अधिगम को भी ध्यान में रखता है, यानी कि आप देखते हैं कि कैसे विद्यार्थियों के बीच शिक्षक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया को ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनके अनुभवों को कक्षा में सम्मिलित किया जाए। जिस भी समुदाय से विद्यार्थी आते हैं उनके अनुभवों को अगर आपको कक्षा में सम्मिलित करना है तो आपको उसके अनुरूप शिक्षण विधियों का चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए आप भाषा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण के माध्यम से मान लीजिए आप समुदाय की भाषा को आप अपनी कक्षा में लाना चाहते हैं, सामुदायिक ज्ञान को अगर आप अपनी कक्षा में लाना चाहते हैं तो आप उस विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति का अवसर देंगे तो सामुदायिक ज्ञान, समुदाय की भाषा को कक्षा में स्थान मिलेगा। तो ऐसी शिक्षण अधिगम विधि का चयन आपको करना होगा जिससे कि उस विद्यार्थी को कक्षा में अभिव्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो। इकाइयों के निर्धारित उद्देश्यों को समझने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उपयुक्त विधियों का चयन करना, यानी कि जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी उसके लिए कौन सी विधि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से विद्यार्थी लाभान्वित हों, विद्यार्थी ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएँ, इनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। केवल शिक्षण अधिगम विधियों का ही निर्धारण करना आवश्यक नहीं होता है। जब भी हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं तो इकाई योजना के निर्माण में हम जिस भी विषय सामग्री को सम्मिलित किए हैं उस विषय सामग्री को लेकर विद्यार्थियों की क्या समझ बनी, विद्यार्थियों ने किस प्रकार से उसको सीख लिया है, इसका आकलन भी करना अनिवार्य हो जाता है। यानी इकाई योजना में आपको आकलन विधियों का निर्धारण करना होता है। तो आकलन विधियों के निर्धारण के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जिस भी शिक्षण अधिगम उद्देश्य को बनाए हुए हैं वह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, वह उद्देश्य किस सीमा तक सफल हुए हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना होगा। इसका मूल्यांकन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन आप जब कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आप शिक्षण कार्य के दौरान ही लगातार विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके फीडबैक लेकर के आप रचनात्मक मूल्यांकन करते रहते हैं। इसके अलावा निदानात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो जिस भी विषय सामग्री को आपने पढ़ा लिया है, मान लीजिए आपने एक इकाई का अध्ययन अध्यापन कर लिया है, उस इकाई के अध्ययन अध्यापन के उपरांत आप कुछ इकाई टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट लेते हैं, उस यूनिट टेस्ट के आधार पे आप इसकी जाँच करते हैं कि विद्यार्थी ने इस संकल्पना के बारे में सीखा है या नहीं सीखा है। सीखा है तो वह कितना सीखा है और हमें कितना और इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब जैसा कि मैंने बताया इकाई योजना के निर्माण में चार प्रकार की सूचनाओं को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है कि इकाई योजना बनाते समय कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जिसको कि आप इकाई में समाहित कर रहे हैं, उस अवधारणाओं को सम्मिलित करने के लिए, उस अवधारणाओं को आपको पूर्ण करने के लिए कितने कालांशों की आवश्यकता है, इसका उन कालांशों की संख्या निर्धारित करना, कौन कौन सी शिक्षण विधियां उपयुक्त होंगी उसका निर्धारण करना,
कौन कौन से मूल्यांकन विधियां आपके लिए उस इकाई योजना के लिए आवश्यक होंगी इसका निर्धारण करना, यानी इन चार सूचनाओं को इकाई योजना के निर्माण के समय में आपको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इकाई योजना के प्रारूप पर चर्चा करते हैं और इसको एक प्रारूप विकसित करने की कोशिश इसके एक प्रारूप विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो इकाई योजना के प्रारूप में सर्वप्रथम आप जिस विषय का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उस विषय का उल्लेख करेंगे, किस कक्षा में उस विषय का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उस कक्षा का उल्लेख करेंगे, उस इकाई का नाम क्या है, जैसे आपने जो है पदार्थ एक इकाई है, पदार्थ इकाई के अंदर ठोस द्रव गैस कौन सी उप इकाई है उसका उल्लेख करेंगे। इसके माध्यम से आपके कौन कौन से अधिगम उद्देश्य हैं जिसको कि आप प्राप्त करना चाहते हैं उन अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। अब आइए हम जो है इस टेबल की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। इस टेबल में आप देखिए कि पहले कॉलम में इकाई की अवधारणा यानी कि कौन सी इकाई का आप अध्ययन अध्यापन करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे, उससे संबंधित कोई अगर उप इकाई है तो उसका उल्लेख करेंगे, जैसे इकाई की अवधारणा हो गई पदार्थ की अवधारणा और उप इकाई हो गई ठोस द्रव या गैस, और उप इकाई वार आवश्यक कालांशों की संख्या यानी कितने उप इकाई के लिए कितने आवश्यक कालांश हमें चाहिए उसका निर्धारण करना, प्रति इकाई आवश्यक कुल कालांशों की संख्या यानी पूरी इकाई के लिए कितने आवश्यक कालांश हैं उसकी सूची बनाना, अब यानी विषय वस्तु क्या है हमारी यानी कौन कौन से विषय वस्तु का इसमें हम उल्लेख करेंगे उसको इसमें शामिल करना, कौन सी शिक्षण विधियां होंगी, कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे और कौन सी मूल्यांकन विधियां होंगी, यानी यह प्रारूप आप देख सकते हैं। इस प्रारूप के आधार पे आप इकाई योजना का प्रारूप बना सकते हैं। आप जिस भी कक्षा में अध्ययन या अध्यापन कर रहे हैं उस कक्षा में, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं आप, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किसी एक पाठ को आप एक इकाई मानकर इस इकाई योजना के प्रारूप में आप इकाई योजना का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इकाई योजना के क्या लाभ हैं। इकाई योजना के लाभ की बात करें तो हम जो भी आप विषय का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उस विषय के अध्ययन अध्यापन को अगर आप इकाइयों में बांटते हैं तो आप समय पर पूर्ण करते हैं। दूसरा लाभ है उपयुक्त सामग्री तथा विधियों के उपयोग हेतु पूर्व तैयारी करने का आपको समय मिलता है। तीसरा लाभ है कि उपचारात्मक शिक्षण में यह सहायक है यानी कि विद्यार्थी कितना उस इकाई के बारे में सीख लिए हैं और कितना उन्हें और सीखने की आवश्यकता है इससे संबंधित उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करने में आपको मदद मिलती है। तो हमने इस चर्चा में जानने की कोशिश की है कि इकाई योजना क्या है, इकाई योजना के क्या लाभ हैं, इकाई योजना को कैसे निर्मित किया जाता है, इकाई योजना के प्रारूप पर भी हमने चर्चा की और एक प्रारूप भी विकसित किया है जिसको कि आप अपने अध्ययन अध्यापन में इस प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इस चर्चा में देखा कि इकाई योजना के निर्माण के क्या क्या लाभ हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। इन लाभों के आधार पर इकाई योजना आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके अध्ययन अध्यापन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।